अब हम लोग अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8.2 उसका हम लोग थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले तो आपको डेटम्स की बता दिया जाता है कि एंगल आएगा कहाँ से, ठीक, आता कहाँ है, ओरिजिन क्या है। उसके बाद फिर आपको जितना भी एंगल बताया जाएगा उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं बच्चों एंगल के बारे में कि एंगल कहाँ से आ रहा है हम लोगों का, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर आपको एंगल के लिए एक चार्ट लिखवा दिया जाएगा। तो आपका ये बेसिक है एंगल का, तो ये ए, तो हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री के एंगल पे बात करेंगे। 45 डिग्री के एंगल का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। एसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मीनिंग, ये दोनों क्या है, भुजाएं बराबर है आपस में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज है तब, त्रिभुज है ये, तो अगर रहता है तो ये कितनी डिग्री का, 45 डिग्री आ जाएगा, ये भी कितनी डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, और ये कितनी डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए है, अगर ए, अगर ये ए है मान लिए, तो यानी बी सी को क्या मान लिए, बी सी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तब, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोल दिए, ए बोल दिए। तो इस टाइप से आप पहले ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए सी का वैल्यू कितना आता है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी का जो वैल्यू आया है वो कितना है, ए बी का वैल्यू पता है ए का होल स्क्वायर, बी सी का वैल्यू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। तो टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो टू ए स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट आ गया, और यहाँ क्या आ गया, ए सी। तो ए सी इज इक्वल्स टू टू का रूट करेंगे तो टू रूट, अब ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए, यानी कि यह कितना आ गया आपका, रूट टू इंटू ए। समझे बच्चों। तो अब चलते हैं कोई डेटम्स क्या, अब हमको निकालना किसका, साइन 45 का मान चाहिए अगर, तो साइन 45 के मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी बाय एच। तो पी बाय एच, तो साइन 45 के सामने वाला साइड क्या है, ए, बाय एच का वैल्यू रूट टू इंटू ए, ए खत्म, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 या गया साइन 45। तो इसी टाइप से अगर कॉस 45 का मान चाहिए हम लोगों को, तो क्या लिखते हैं, बी बाय एच 45, तो कॉस 45 ये है, या इसको किसी को भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा ये, तो ए बाय रूट टू इंटू ए, तो ये दोनों खत्म, तो कितना आ गया, 1/√2। उसी टाइप से टेन 45 का बात करते हैं, टेन 45 किसको बोलते हैं, पी बाय बी, तो इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू वही ए बाय ए, ए बाय ए करेंगे तो कितना आ गया, 1। यानी इस प्रकार से हमको तीन एंगल का पता चला, क्या क्या, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का पता चला, कौन कौन, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, सॉरी, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। फिर इसी टाइप से साइन का उल्टा बताया गया था आप लोगों को, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और 45 लिख देंगे, इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, √2। कॉस का उल्टा क्या होता है, शेक, शेक 45 अगर बोल दिया जाए तो ये √2 हो जाएगा, √2/1, तो बात वही पड़ेगा। उसी टाइप से कॉट 45 का बात बोला जाएगा तो 1 है, तो इसका क्या आ गया, 1। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को फाइंड आउट करते हैं। ये बेस हो आपका कि एंगल आया कहाँ से, 1/√2 कहाँ से आएगा, 1/√2, फिर कॉस 45 का मान, कॉस 30 का मान, यही क्यों होता है, अदर कुछ क्यों नहीं होता, तो ये आपका एक बेसिक फंडा है, समझे। तो अब चलते हैं, दैट मीन्स क्या कि अब तो ये 45 डिग्री का बात की, अब और एक बच गया कौन कौन, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री का क्या क्या कंसेप्ट है उसमें। तो चलिए मिटा दे इसको, तो इसको लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या कंसेप्ट है, मिटा देते हैं, चलिए। फिर आगे है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं, बस डेरिवेशन है उसको और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हम लोग किसके बारे में सीख रहे हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में, फिर 90, 120 ऐसे भी सीखा जाएगा। तो चलिए, अगर बेस सीख लोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर बेस ही मजबूत ना रहे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक, रटने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं फायदा, ठीक। पहले बेस समझ लीजिए ताकि आप दूसरों को भी टीच कर पाओ। तो ए बी सी है, ए बी सी एक समद्विबाहु, एक समकोण त्रिभुज, सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, समबाहु त्रिभुज मान ली। अगर ए बी सी है तो इसका भी साइड ए, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है। अगर इसके बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, इसको मान के चलते हैं डी, तो यानी बी डी
और सी डी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ए बाई टू। क्यों आएगा? क्योंकि ये टोटल अगर ए है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब इधर भी ए हो जाएगा, इधर भी ए बाई टू हो जाएगा, इधर भी ए बाई टू आ जाएगा। अगर आप ए बाई टू का झमेला नहीं रखना चाहते, उसका आप अगर नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, बी सी को टू ए मान लो, ये वाला भी टू ए हो जाएगा, इधर भी टू ए हो जाएगा। तो अगर टू ए को दो बराबर भाग बांटोगे तो इधर ए और इधर भी ए, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आएगा वही आना है आपका आंसर, समझे। जो सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो आपका आंसर होगा, ठीक। उसके बाद फिर अगर ए डी बात करें तो ए डी क्या है, वहां पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये ना बच्चों। तो समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री बाय टू इंटू ए। तो रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू है तो टू रहने दी इंटू ए, ए का तो मान तो खुद ए है तो रहने देते हैं इसको। अब आगे पुट करते हैं, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 16, इधर वाला भी ये कितना आ जाएगा 60, और ये टोटल 60 था बट 30-30 में डिवाइड हो गया। तो अब हम लोग मान पुट करते हैं, हमको अगर मान चाहिए साइन 60 का मान चाहिए तो क्या लिखिएगा, साइन 60 का फॉर्मूला पी बा एच यही होता है। तो 60 के सामने वाला साइड पी, पी का वैल्यू कितना है ए डी बटे एच का वैल्यू कितना है, एच किसको बोलेंगे, एच 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो एच है, एच कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू ए बी। पुट करते हैं अगर वैल्यू, तो ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू रूट थ्री बाय टू इंटू ए बटे ए बी का वैल्यू ए, तो ये दोनों खत्म हो गए, कितना आ गया रूट थ्री बाय टू, देख लिए। तो साइन 60 का मान रूट थ्री बाय टू, अगर हम लोग साइन 60 की जगह कॉसेक 60 बोल दें, कॉसेक 60 का मान कितना आ जाएगा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो अगर कॉसेक होता है तो पलट दीजिए इसको, टू बाय रूट थ्री, ये आ गए। उसी टाइप से अगर कॉस साइन 60 का मान है, उसी टाइप से बोला जाए कॉस 60 का मान बताओ, कॉस 60 का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, 60 के सामने वाला साइड ये पी हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी डी, बेस का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना आ गया, वही एच का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, ए बी। तो अगर हम इसको पुट करते हैं, बी डी का जो वैल्यू है, बी डी, बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी डी का वैल्यू कितना मान लिया हम लोग, ए बाई टू, ए बाई टू मान लिया, बाय ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू एच के बराबर, तो एच का वैल्यू कितना दिया है, ए, ए खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में, वन बाई टू। उसी टाइप से अगर सेक 60 डिग्री का बात किया जाए, सेक 60 डिग्री का वैल्यू इसको पलट देंगे तो टू बाय वन, तो यानी कि आ गया टू। सेम कंडीशन से अगर हम बात करते हैं टेन 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का, तो पी बाय बी, तो पी बाय बी, तो 60 डिग्री के अनुसार पी, पी का वैल्यू ये और बी ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना है, ए डी बटे बी डी। ए डी का वैल्यू कितना आ गया, ए डी का वैल्यू कितना आया, रूट थ्री बाय टू इंटू ए बाय बी डी का वैल्यू कितना आया हुआ है, ए बाय टू, ए क्या आ गया खत्म, और टू टू भी खत्म, तो कितना आ गया इसका रूट थ्री। अगर उसी टाइप से बोला जाएगा टेन 60 है तो कॉट 60 का मान निकालो, कॉट 60 के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, तो पलटेंगे तो इसके नीचे वन है, कुछ नहीं तो वन बाय रूट थ्री आ गया। ये तो आपका 60 डिग्री वाला कंसेप्ट हुआ, तो जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, अगला जो ये 30 डिग्री के एंगल पे, चलिए हो गया। तो अब 30 डिग्री के एंगल पे देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, अगर साइन 30 डिग्री का आ गया तो फिर कॉस 30, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर 90 डिग्री पर भी फोकस करेंगे हम लोग। तो अगर हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या, पी बाय एच, तो पी 30 डिग्री के सामने वाला पी, तो पी का वैल्यू कितना, बी डी बटे ए बी, इन हुआ, तो बी डी का वैल्यू कितना आया हुआ है, बी डी का वैल्यू ए बाय टू बाय ए, खत्म हो गया, कितना आ गया वन बाय टू। उसी टाइप से अगर बात करते हैं कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो पलट जाएगा, पलटेगा, क्यों पलटेगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक है तो ये टू आ गया। उसके बाद फिर साइन 30 का वैल्यू आ गया, उसके बाद कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू बी बाय एच, तो बी बाय एच 30 डिग्री के सामने वाला बी बाय एच, तो 30 डिग्री के सामने वाला तो साइड पी हो जाएगा, तो बचा क्या बी, ये वाला, तो ए डी बटे ए बी, तो ए डी का वैल्यू कितना आया, रूट थ्री बाय टू इंटू ए बटे ए बी का वैल्यू ए, ये दोनों खत्म हो गया, तो कितना आया रूट थ्री बाय टू। उसी टाइप से अगर हम लोग सेक 30 डिग्री का बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू टू बाय रूट थ्री। सेम फंक्शन में अगर उसी को लेके चले, साइन हो गया, कॉस हो गया, अगर टेन 30 डिग्री का बात करेंगे, टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो पी होगा, तो पी का जो वैल्यू पी बाय बी है ना, पी का जो वैल्यू होगा वो बी डी बटे ए बी, सॉरी बी डी बटे
कितना AD, तो BD का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, BD का वैल्यू कितना आया, A by 2 by root 3 by 2 into A, A खत्म, 2 2 खत्म, कितना आ गया इसका 1 by root 3, अगर cot 30 डिग्री का बात करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसको पलट देंगे तो root 3 by 1, तो यानी मतलब क्या आ गया root 3। इस टाइप से आपका क्या होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे सब कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में हमेशा क्या करेगा आपको हेल्प करेगा।